रिट्स मैम आपकी यूट्यूब इनकम कितनी है? Hey guys, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, अपने घर पे होंगे, सेफ होंगे। हम लोग भी यार घर पे ही है। तो यार आपको जैसे मैं बता दूं कि मैंने अभी अपनी लास्ट डे मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की थी, जिसमें मैंने ये लिखा था कि मैं यार बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाब दूंगी, कुछ भी जो वो मेरी लाइफ से जानना चाहते हैं, मेरी लाइफ से रिलेटेड हर चीज़। तो यार मैंने उनके बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है जो वो निकाले हैं, जो मुझे लगता भी था कि आप लोगों को जानना ज़रूरी है। तो मैंने वो क्वेश्चंस है वो मैंने नोट डाउन कर लिया सारे, तो मैं आपको बता देती हूँ पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला ये है आर्यन गहबाद, इन्होंने मेरे से पूछा है, मैं आपको साथ में उनकी स्टोरी भी दिखाती हूँ, तो आप देखो ज़रा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है, ये आर्यन गहबाद ने किया है मेरे को इंस्टाग्राम पे, इन्होंने अपनी एक छोटी सी वीडियो सेंड की है। तो आर्यन गहबाद के नाम से इनका यूज़र नेम है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं। तो यार मैं आपको इनके बात का मैं जवाब देना चाहती हूँ कि मेरा ब्रेकअप क्यों हुआ। सबसे पहली बात, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सब लोग जानना चाहते हैं ब्रेकअप क्यों हुआ, कि उसने आपको मतलब रूम से बाहर निकाल दिया था रात को, और इतनी ज़्यादा तुम्हारे बीच दिक्कतें हो गई थी, तो आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जब उस बंदे ने ये नहीं देखा कि एक लड़की को उसने रूम से बाहर निकाल दिया रात को। तो मैं आपको बता दूं मैंने एक्शन क्या नहीं लिया यार, जब तक हम किसी की ज़िंदगी में है ना, सिर्फ तब तक ही हम उसके लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा क्या है कि उसने सोच लिया था कि यार उसको मेरी उसने मुझे अपनी ज़िंदगी से बाहर फेंकना है, तो हाँ उसने वो किया, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना हम बुरे के साथ बुरा बन जाए। तो बस मैंने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ नहीं करना चाहा मैंने, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार जो भी है ना, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है, तो उसको उसके कर्मों की सज़ा भगवान देगा, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह एक इंसान ही हूँ। तो मैंने इसलिए कोई एक्शन नहीं लिया, कोई कुछ नहीं किया मैंने कि मुझसे बात कर, ये कर, वो कर, नहीं। जो उसने किया ठीक है, होते ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको प्यार की कदर नहीं होती, एक्चुअली में ये सच बात है, नहीं थी उसको प्यार की कदर, ठीक है। उसने सोच लिया था कि उसको ख़त्म करना है, क्योंकि हो सकता है ना वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गया हो, एंड हो भी क्या सकता है, ऐसा सच भी था, क्योंकि हर दिन मुझे कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें उसके फ़ोन में देखने को मिलती रहती थी। खैर इसलिए इस टॉपिक में मैं ज़्यादा कमेंट्स करना नहीं चाहती। और दूसरी बात कि आपने उसका ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो सब पूछते हैं, तो मैं यहाँ पे सबके नाम मेंशन नहीं कर सकती कि कितने लोगों ने मेरे से ये सवाल किया। ये चीज़ कि आपने दो वीडियो बनाई अपने एक्स बॉयफ्रेंड पे, ठीक है एग्री मैंने बनाई, लेकिन आपने उसका फेस ब्लर क्यों किया? तो मैं आपको बता दूं यार मैं यहाँ पे ना किसी को एक्सपोज नहीं करना चाहती, मैं क्यों एक्सपोज करूँ किसी की ज़िंदगी, मैं क्यों ख़राब करना चाहूँ यार। जो उसने करना था वो उसने कर लिया, और मैं कुछ भी नहीं कर पाई, मुझे रहना था उसके साथ, मैं नहीं कर पाई कुछ, तो लेट इट बी यार, कोई दिक्कत नहीं है, ज़िंदगी में लोग आते जाते रहते हैं। और मेरे को ये लगता है कि उस ब्रेकअप के बाद जैसे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मुझे मिला है, और मैं आज जो भी हूँ ना उस ब्रेकअप की वजह से ही हूँ। तो उस बंदे को मैं तो अपना सारा क्रेडिट देती हूँ यार कि हाँ उसने ऐसा किया तभी मैं कुछ बनी, मैंने अपने आप को पहचाना और मुझे इतने लोग मिले जो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। तो यार अगला है कि बॉबी बादशाह, इन्होंने मुझे एक वीडियो सेंड की है, और वीडियो क्या है मैं आपको दिखा देती हूँ। हेलो रिट्स मैम, हाउ आर यू, कैसे हो आप? मैं ये पूछ रहा था कि अगर आपको पंजाबी बोलनी आती है तो एक बार पंजाबी बोल के दिखाओ। मैंने आपको देखा नहीं, कभी आपको सुना नहीं पंजाबी बोल रहे हो, तो अगर आंसर पंजाबी नहीं तो थैंक यू। तो इनकी इंस्टाग्राम आईडी है bobby.basha। तो इन्होंने मुझे बोला यार आपको पंजाबी बोलनी आती है, आप थोड़ी सी पंजाबी बोल के दिखाओ। सच बताऊँ तो मुझे पंजाबी एक्चुअली आती नहीं है, प्रॉपर नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है, तो हल्की फुल्की बोल के दिखा देती हूँ। हाँ जी बॉबी बादशाह, मैं वधिया, तुसी सुनाओ तुहाडे की हाल चाल। थैंक यू सो मच यार, मेरे को थोड़ी सी पंजाबी आती है, मैंने आपको बोल के दिखा दी, ज़्यादा मुझे आती नहीं एक्चुअली पंजाबी। तो यार अब तीसरा क्वेश्चन ये है rishu.nitin, हाँ इनका यूज़र नेम है इंस्टाग्राम का rishu.nitin। तो इन्होंने मुझे जो सवाल किया वो ये है, रिट्स मैम आई वॉन्ट टू नो अबाउट योर पास्ट लाइफ स्टाइल, यार तो वो मेरे पास्ट के बारे में जानना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूँ,
मैंने कभी नहीं सोचा था मैं एक यूट्यूबर बनूंगी. सबसे पहली बात, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं प्रैंकस्टर बनूंगी, मैं प्रैंक करूंगी लोगों को, मैं लोगों को काटूंगी. तो मेरी जिंदगी है, जो जर्नी है मेरी, कहाँ से शुरू हुई है तो मैं आपको बता दूं, मैं एक एयर होस्टेस बनना चाहती थी. मेरा शुरू से ही, मतलब बचपन से, चाइल्डहुड मेरा ड्रीम रहा है कि मुझे एयर होस्टेस बनना है. लेकिन वही है, मेरी किस्मत में एयर होस्टेस बनना था नहीं, क्योंकि मैंने उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए एयर होस्टेस बनने के लिए, जिसमें मैंने एक कोर्स कंप्लीट भी किया है इंस्टीट्यूट से, एक साल का डिप्लोमा लिया है, एयर होस्टेस की ट्रेनिंग लिया है, सब कुछ किया है. तो मेरे हाथ पे यार एक टैटू था, मैं आपको दिखा देती हूँ. लाइक आप देख ही पा रहे होगे, ये मेरा जो पूरा हाथ है वो खराब हो चुका है. मैं फर्स्ट टाइम ये पब्लिकली शो कर रही हूँ कि मेरा पूरा हाथ खराब हो चुका है, कि मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाया. मैंने पहले लेज़र कराया, 12 मंथ्स मैंने लेज़र ट्रीटमेंट लिया, उसके बाद मैंने सर्जरी कराई. बहुत ज़्यादा रिस्क लेके मैंने सर्जरी का स्टेप लिया. तो उसके बाद भी क्या हुआ कि मेरा जो हाथ है ना वो प्रॉपर तरीके से ठीक हो नहीं पाया यार. तो जिसकी वजह से मैं, मेरे को रिजेक्शन मिलती गई, रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन. तो मैं इतना डीमोटिवेट हो गई थी ना अपनी ज़िंदगी में. मैंने सोच लिया था यार नहीं यार, अब मुझे शायद मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगी ज़िंदगी में. तो यही थी यार मेरी थोड़ी पास्ट का. मैं आपको बता दूं कि मुझे ये बनना था और मैंने सोचा नहीं था कभी मैं यूट्यूबर बनूंगी. तो मतलब मैंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए ना मतलब जोर लगा दिया था पूरा, लेकिन वो चीज़ मेरी किस्मत में एक्चुअली लिखी नहीं थी, इसलिए शायद भगवान ने मुझे वो दी नहीं. बट जो भी मैं आज हूँ, जितने लोग मेरे पास है, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जो मुझसे इतना प्यार करते हैं ना, सच में मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है खुद पर कि मेरे पास आप लोग हो जो मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो. थैंक यू सो मच. ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, थोड़ा पास्ट के बारे में. और रिप्स मैम, आपने दो वीडियोस बनाई अपने एक्स बॉयफ्रेंड पे, बट आपने उन्हें एक्सपोज नहीं किया, उनका फेस ब्लर क्यों किया आपने हर बार? तो मैं आपको बता दूँ, ये नॉर्मल क्वेश्चंस, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो हर बार हर कोई पूछता ही पूछता है कमेंट में. तो मैंने एक्सपोज क्यों नहीं किया यार, आप खुद बताओ, क्या आप समझदारी से बताओ, क्या एक्सपोज करना सही था किसी बंदे की ज़िंदगी ख़राब करना? क्योंकि उसकी जो इमेज थी वो ख़राब हो जाती दुनिया के आगे. और मैं किसी की इमेज ख़राब करने वाली कौन हूँ यार? मैं भगवान नहीं हूँ, मैं नॉर्मल इंसान ही हूँ आप लोगों की तरह. इसलिए मैंने ये सोचा कि क्यों, मतलब फेस उसका मैं क्यों सबके आगे पब्लिकली डिस्क्लोज करूँ उसको. तो मैंने यही सोचा कि यार नहीं, फेस ब्लर करना ही सही है. मैं यहाँ किसी को एक्सपोज नहीं करना चाहती, और हो सकता है कि उसका फेस दिखाने के बाद उसी को पॉपुलैरिटी मिलती. सो आई डोंट वॉन्ट दैट कि यार जिस बंदे ने मेरे साथ इतना गंदा किया, इतना बुरा किया, रात को बाहर निकाल दिया था. बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब मैं आप लोगों को क्या क्या बता भी नहीं सकती, मैं थोड़ा इमोशनल हो जाऊंगी. तो बस यही चीज़ें थी कि नहीं करना चाहती थी मैं एक्सपोज, और नहीं किया उसको. थैंक यू. वैसे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था, आप लोगों को सब कुछ पता होना भी बहुत ज़रूरी है. अच्छा, सबसे कॉमन क्वेश्चन जो यार मतलब हर वीडियो के कमेंट में होता ही होता है, मतलब होता ही होता है, इतने कमेंट्स होते हैं ना इसको लेके, रिट्स मैम आपकी यूट्यूब इनकम कितनी है? अच्छा यार, मैं मतलब पहली बात तो आपको बता दूँ, सैलरी पूछनी नहीं चाहिए किसी से भी, चाहे वो जॉब भी करता है ना तो भी सैलरी मत पूछना, थोड़ा अजीब सा लगता है. बट ठीक है, आप लोगों ने ये क्वेश्चन पुट किया है, मेरे आगे रखा है, तो मैं उसका जवाब दे देती हूँ. यार अब मैं प्रॉपर आपको ये नहीं बता सकती कि मैं कितना अर्न करती हूँ, लेकिन इतना बता देती हूँ कि आप, मैं, मेरी यूट्यूब इनकम इतनी है कि मैं एक महीने में एक आईफोन खरीद सकती हूँ यार. हाँ, आईफोन 11 खरीद सकती हूँ. तो इतना मे भी समझदार लोग हैं जो मुझे देखने वाले, समझ गए होंगे कितनी इनकम है कितनी नहीं है. तो प्रॉपर तरीके से मैं इसे बता नहीं सकती हूँ. तो हाँ, यही है मेरी इनकम. अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा है, बहुत हाई डिमांड है इसकी. ये है कि जब आपने चैनल बनाया तो क्या आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया? तो यार मेरे को किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया. सबका ये मानना था कि यार नहीं बनानी देखो वीडियो, शादी कर ले. वही है ना, लाइक आई बिलोंग टू हरियाणा, तो यहाँ पे लोगों की ये एक सोच कि यार ठीक है लड़की ने ग्रेजुएशन कर ली तो चलो शादी के लिए लड़का देखते हैं. आज भी मैं कभी घर आती हूँ, अभी मैं फिलहाल अपने होम टाउन ही हूँ, तो मैं जब भी घर आती हूँ तो लोग यही बोलते हैं, घर वाले यही बोलते हैं कि शादी कर ले, लड़का देख ले, वीडियोज़ में कुछ आना जाना नहीं है. बट वो मेरे सपने हैं जो मुझे खींचते हैं उस तरफ कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है अपनी ज़िंदगी में. तो बस नहीं यार, इसका आंसर नहीं है, नो. मेरे को किसी ने सपोर्ट नहीं किया, ना मम्मा ने ना पापा ने, बल्कि सबसे ज़्यादा खिलाफ तो मेरे पापा थे इसके कि प्रैंक्स नहीं बनाने, क्योंकि आप लोगों को पता ही है प्रैंक्स के लिए कितना ओपन होना पड़ता है एक लड़की को. आज के टाइम में क्या है, लड़का कुछ भी बनाए ना, लड़का अगर वल्गर चीज़ें भी बनाता है ना तो यार वो वायरल हो जाएगा, लेकिन लड़की अगर हेल्पिंग वीडियोज़ भी बनाती है ना
तो भी लोग ना उस पर व्यूज नहीं आते हैं, लोग उससे देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि मेरी अब मेंटेलिटी ऐसी हो चुकी है। मैंने लास्ट टाइम 2-3 वीडियोज डाली थी तो उसमें क्या था, लोगों ने ना मतलब बहुत बिल्कुल भी उस पर व्यूज नहीं आए थे। तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि यार लोगों को मेरी हेल्पिंग वीडियोज पसंद ही नहीं आ रही। बट वही दूसरी साइड अगर मैं मतलब दूसरे पॉइंट से देखूँ तो जो वल्गर चीजें जो फीमेल प्रैंक्स्टर है, जो मेल प्रैंक्स्टर है, जो भी मतलब वल्गर चीजें बना रहे ना यार, वो वायरल हो रही है। जो इस चीज से मैं बिल्कुल डिसअपॉइंट हूँ, मुझे ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। यार जो अच्छी वीडियोस बना रहा है उसको आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। कुछ लोगों की बात कर रही हूँ मैं, सबकी बात नहीं कर रही। तो हाँ, मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट नहीं किया और मुझे आज भी सपोर्ट नहीं करते। पता नहीं, मैं बस उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ कब ऐसा दिन आएगा कि मेरे पापा बोलेंगे कि हाँ बेटा मुझे तुझ पर प्राउड है। तो उसी दिन का इंतजार है। तो नहीं, भाई बहन सपोर्ट करते हैं, लेकिन मम्मा भी कर देते हैं। मम्मा भी यूट्यूब खोलते हैं, वीडियोस देखते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, लड़की हेल्प करती है, अच्छी वीडियोस बनाती है, लड़की के प्रैंक्स में कुछ गलत नहीं है। और बस पापा का है थोड़ा, लेट्स सी कब मानते हैं, कब अच्छे से वो सेटिस्फाई होके एक थोड़ा आशीर्वाद दे गया सर पे हाथ रखे कि हाँ बेटा तू बहुत अच्छी वीडियोज़ बनाती है और मुझे तुझ पर गर्व है। तो बस यही था क्वेश्चंस यार जो इंटरेस्टिंग थे। मैंने सिर्फ एक ही दिन में ये लगा लो कि 20 घंटे में मैंने ये क्वेश्चंस निकाले हैं जितने मैं निकाल पाई। तो यही थे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो मैंने पिक किया और आपको मेंशन भी कर दिया जिस जिसने मेरे को ये क्वेश्चन कमेंट किया है। बाकी क्या है, आप मेरे को क्या कर सकते हो, इंस्टाग्राम आईडी मेरी यहाँ पे आपको दिख रही होगी, रेड सेवन के नाम से अकाउंट है। तो आप जाके वहाँ पे मुझको फॉलो करो और मुझे बताओ कि यार आप मुझसे पूछ सकते हो कि आपको कौन सी और चीज़ें मेरे बारे में जाननी है। जो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होगी, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होगी यार, उनको मैं निकाल के आप लोगों के आगे दोबारा एक ऐसी वीडियो बनाऊंगी। तो जल्दी से फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे। बाकी मेंशन करूंगी साथ साथ, अच्छी अच्छी वीडियोस और आती रहेगी। और बाकी यार सेफ रहो, घर पे रहो, लव यू ऑल।